अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके साथ एक न्यू आई मेकअप लेकर आई हूँ जो भी बहुत ही आसान और इजी है। आप ज़रूर ट्राई करके देखें अपनी आई पे। अगर आपके पास सिलिकॉन आईब्रोड है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आप प्रैक्टिस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप ज़रूर बाय करेंगे, अमेज़ोन पे अच्छी मिल जाएगा आपको अच्छे प्राइस से। इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ही इजी है और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम दूसरे की आई पे कैसे मेकअप करें। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी आई मेकअप। और इसमें मैंने फ़र्स्ट कलर जो अप्लाई किया है, ये देखें सिल्वर कलर है जो मैंने पूरी आई पे अप्लाई किया है, आईब्रो के नीचे, और ये पूरी आई पे मैंने सही से अप्लाई कर दिया। ये कलर ज़रूर अप्लाई किया करें, इससे ना ज़रा आई पे खूबसूरती आती है। और इसको मैंने पूरी अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद, इसके बाद जो मैंने कलर अप्लाई किया है वो है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से ये देखें, ब्लैक कलर से इनर कॉर्नर के साइड मैंने वी शेप में बनाया है और आउटर कॉर्नर के साइड वी शेप में बनाया है, और इसको मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड किया और डार्क किया है। देखें ये लिया, फिर भी ये मैंने ये ब्लैक कलर अप्लाई किया आउटर कॉर्नर के साइड, और फिर इसको ही मैं डार्क करूँगी जब तक कि मुझे अच्छा अपने आँखों से अच्छा ना लगे। ये प्रैक्टिस बोर्ड हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। खैर इसके बाद मैंने ये लाइट ब्राउन कलर मैंने आई के कट क्रीज साइड अप्लाई किया है, और इसको मैंने अच्छी तरीके से ब्लैक के साथ ब्लेंड किया है, और मुझे जैसे चाहिए था मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। आप भी ऐसी सेम अप स्टेप फॉलो किया करें। और फिर ब्लैक कलर मैंने लिया, फिर उसको भी मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई किया, और फिर इसके बाद मैंने ये आई के मिडिल एरिया पे गोल्डन आई शेड लगाया, और आई के लो लैश पे भी मैंने यही ब्लैक कलर अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने एंजल आईलाइनर लगाया और उसको मैंने आई लैश लगाई, और फिर आई के मिडिल एरिया पे ग्लिटर लगाया, और उसको मैंने देखें कितनी खूबसूरती से लगाया, ये आईलाइनर से भी लगाया और बहुत प्यारी ये आई बनी है। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।